Assalamualaikum everyone, welcome back to another vlog, welcome back to another video. I hope you are doing well and you are watching my YouTube channel Life with Laila. Vlog start karne se pehle, make sure to subscribe my channel and follow me on Instagram Laila Ali 155. Aapko upar handle nazar bhi aa raha hoga Insta pe. To jaldi se jaakar mujhe Insta pe follow kare, wahan pe mere pure din ki updates hoti hain. Agar aap mujhe mazid jana chahte hain to uske liye aapko mera Insta jo hai wo follow karna padega. So ab kya hai ji, aapne ek to channel subscribe karna hai, then आपने क्या करना है, बेल आइकन को लास्ट में प्रेस किया करें. मैं डेली कहती हूँ लास्ट में प्रेस किया करें आप उसको, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. सो आप सोच रहे होंगे कि आज बाजी कहाँ सैर सपाटे को निकली हुई, तो मैं सुबह सुबह हमजा के साथ निकली, छोटा सा काम था हमें, मैं और हमजा मेरे जो छोटा भाई है हम दोनों गए थे, और हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था और काफ़ी टाइम लग गया था. ये तकरीबन 1:30 बजे का टाइम है जब हम लोग वहाँ से फ्री हुए थे काम से. और फिर जी मैंने और हमजा ने सोचा कि जबकि हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया और हम लोग आए हुए हैं जी सेक्ट्रेट वाली साइड पर, जो कि लाहौर के रहने वाले उनको तो पता होगा, तो वहाँ की कुज़ीन हम किस तरह से मिस कर सकते हैं. तो एक तो नाश्ता और लंच ब्रंच हो जाएगा हमारा. सो इसलिए फिर हम लोग आगे कुज़ी हलीम पे, और हम लोगों ने कुज़ी हलीम बहुत टाइम के बाद इंजॉय किया है. मुझे लगता है कि मैंने कोई एक साल के बाद खाई है, और इससे पहले जब हम लोग छोटे थे ना तब बब्बू के साथ तो बहुत जाया करते थे, और बहुत मज़े की लगती है. मेरी तो ऑल टाइम फेवरेट है, बहुत मज़े की लगती है. जो इसमें लवासमा डाल के खाए जाते हैं ना, उसकी तो क्या ही बात है. तो यहाँ पर जी कुज़ी हलीम आ गई है, और किस तरह से इसमें लवासमा डाल के खाने का मज़ा आता है ना, वो आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं. और इनकी स्पेशलिटी क्या है, हलीम भी अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन इनकी स्पेशलिटी में ये है कि इनके जो नान है ना, वो बिल्कुल फ्रेश वाले तंदूर से निकलते निकलते आपके सामने आ जाते हैं, और आप जब खाने बैठते हैं ना तो आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि आपने कितना खा लिया है. और हमेशा ऐसे होता है, और यहाँ पे भी जब नान आए थे ना, इतने मज़े के लग रहे थे. मुझे लगता है हलीम से ज़्यादा ना हम लोगों को नान का क्रेज़ है वहाँ के, तो बहुत मज़े के होते हैं. अच्छा, वहाँ से हम लोगों ने लंच वगैरह करके वापस आ गए थे, और घर आके फिर मुझे दिल किया कि मैं चाय पी लूँ, तो मैं अपने लिए और आलिया के लिए चाय बना रही थी. बहुत दिल चाह रहा था क्योंकि सुबह नाश्ता नहीं किया था, चाय तो वैसे नहीं पी थी, और आपको पता है कि चाय ना पिए तो सारा दिन जो है वो बहुत बोर निकलता है. और साथ में मामा ने खाना बनने रखा हुआ था, काले चने शायद मामा बना रही हैं, तो वो रखे हुए थे. और साथ में जी उसके बाद मैं सो गई, वापस आते ही मैंने चाय पी, और मैं उसके बाद ढेर हो गई. फिर मुझे कोई होश नहीं थी दुनिया की, और शाम में जब मैं उठी ना तो आलिया ने मुझे कहा कि ना उसे फ्रूट कस्टर्ड खाना है, और फिर मैंने सोचा चीज़ें जब पड़ी हुई हैं तो फिर बना लेते हैं, और जो जो चीज़ें घर पर बनी हैं उसी के साथ बनाऊँगी, रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ. बहुत कोई फैंसी नहीं बनाने वाली मैं. सो दूध मैंने ऊपर रख के उसमें शुगर जब ऐड कर दी, शुगर मैंने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं की क्योंकि इसमें फ्रूट जाएंगे तो उसके बाद वो ना ऑटोमेटिकली जो उसका मीठा ना वो तेज़ हो जाता है. सो मैंने अब यहाँ पे 3 खाने के चम्मच मैंने ले लिए हैं जी मैंगो कस्टर्ड के, जो कि घर पे पड़ा हुआ था वही मैं यूज़ करूँगी, कोई मैं बाहर से नहीं लेके आई. वैसे तो मेरा दिल कर रहा था कि वनीला वाला होना चाहिए, लेकिन मैंने कहा चलो घर पे पड़ा ना उसी को यूज़ करते हैं. और ये 1 लीटर की मैं रेसिपी बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, और इसको हम पका के थिक कर लेंगे. लेकिन पता है ना, वो आप जब इतना सारा कस्टर्ड डाल देते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जब आप उसमें डालते हैं ना फ़ौरन, इससे पहले कि वो पके ऊपर, वो उसी से उससे पहले ही वो एक ना बहुत थिक सा बैटर बन जाता है, वो तो हिल भी नहीं रहा होता. तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप इसको ना थोड़ा सा ज़रा कम ही रखें इसमें कस्टर्ड, और बाद में इसको कुछ पका के आप कर लें, कुछ जब जो ठंडा होता है ना तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि ये थोड़ा सा थिक हो जाता है. सो यहाँ पे मैंने कस्टर्ड ऐड कर दिया, और इसको अच्छे से मैं इसमें पका लूँगी. इसलिए देखें आपने, मैंने डालने के बाद भी इसको फैन फैन के इसीलिए पकाया कि अच्छे से ये थोड़ा सा थिक हो जाए. हम सारा कस्टर्ड और वो माया डाल के इसको थिक नहीं करेंगे. और उसके बाद फिर मैंने इसको अंदर रूम में ले आई थी पंखे के नीचे, क्योंकि अब इसको मुझे करना था ठंडा, क्योंकि इसमें गर्म गर्म में आपने कभी भी फ्रूट्स ऐड नहीं करने. अगर आप गर्म गर्म में फ्रूट्स ऐड करेंगे ना, आपका कस्टर्ड जो है ना उसमें से पानी जो है ना वो बहने लग जाएगा, यानी कि आपका कस्टर्ड और पानी अलग-अलग हो जाएगा, और जो फ्रूट्स हैं वो भी एक तो कलर ख़राब हो जाएगा, दूसरा उनका जायका ख़राब हो जाएगा, और फ्रूट्स में पानी छोड़ते हैं ना गर्म गर्म में तो सारा बर्बाद हो जाएगा. अच्छा, यहाँ पे मैं कोई क्रीम कोई चीज़ नहीं यूज़ नहीं कर रही हूँ, बस मेरे पास थोड़ा सा फ्रूट केक पड़ा हुआ था, घर पे पड़ा हुआ था, वो यूज़ कर लूँगी. और साथ में मैंने यहाँ पे जो फ्रूट्स काटे ना वो थे जी एप्पल बनाना, और साथ में अंगूर थे थोड़े से, वो मैंने कट कर लिए हैं. और अब मैंने कस्टर्ड जो अच्छे से रूम टेम्परेचर पे कर लिया, आपने फ्रिज में नहीं रखना है, रूम टेम्परेचर पे रखना है, और बाद में आपने ना जब इसमें फ्रूट डालने से पहले आपने अच्छी तरह से इसको विस्क कर लेना है, ताकि बहुत फाइन सा ना हो जाए, क्योंकि वो मतलब वो होती है ना, आप अगर आप वैसे रख देते हैं ना कस्टर्ड ठंडा होने के लिए और उसमें चम्मच नहीं हिलाते तो वो ना ठीक से ना वो उसको क्या आप कहेंगे घुटनियाँ सी बन जाती हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता.
सो इसलिए आपने उसको ना अच्छे से विस्क कर लेना पहले, इससे पहले कि आप उसमें फ्रूट्स ऐड करें। और मैंने यहाँ पे फ्रूट्स ऐड करके कर दिए हैं, इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और अंगूर जो है वो भी अब मैं इस पहले मैं इसमें ये ऐड करके मिक्स कर लूँगी, बाद में अंगूर ऐड कर लूँगी, और बाद में जो फ्रूट्स केक है ना वो मैं इसमें नहीं डालूँगी और उसकी मैं लेयर अलग से लगाऊँगी। लेकिन अगर आपके पास क्रीम है तो आप इसमें टेट्रा पैक की क्रीम, फ्रेश वाली क्रीम भी डाल सकते हैं, बहुत ही मज़े का फ्लेवर हो जाता है उसके साथ। और अगर आपको वो कलरवरी सेवैया पसंद है वो भी डाल सकते हैं इसमें। अगर आप कॉकटेल डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। अच्छा, कॉकटेल अगर आपने डालना है ना तो आपने इसमें शुगम रखनी है। कॉकटेल जो होता है ना मिक्स फ्रूट्स, वो बहुत जो है ना वो मीठे होते हैं, तो अगर आपने वो ऐड करना हो तो आपने शुगर बहुत कम रखना है, क्योंकि फ्रूट्स में ऑलरेडी शुगर होता है, नेचुरल में भी शुगर होता है और कॉकटेल में भी होता है। तो यहाँ पे कॉकटेल तो मैं डाल नहीं रही थी, इसलिए मैंने शुगर जो है ना वो पूरे हिसाब से डाल दी थी। और अब इसमें सारे फ्रूट्स मैंने मिक्स कर दिए हैं, और अब मैं इसको जो है डिश आउट करके फ्रिज में रख दूँगी ताकि अच्छे से ठंडा हो, तो आप हम लोग खाएँ। और बस आपको पता है कि जब तक मैं चीज़ को प्रॉपर प्रेजेंट ना कर दूँ तो फिर मुझे सुकून भी नहीं आता। तो यहाँ पे बस जी मैंने नीचे वो मेरे पास फ्रूट केक पड़े हुए थे तो उसकी मैंने नीचे लेयर लगा दी। और ये सारा जो मैंने बनाया है ना कस्टर्ड फ्रूट्स जो इसमें ऐड कर दिए, वो सारे के सारे इसके ऊपर डाल दूँगी। और इसके बाद ऊपर से थोड़ा सा मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। कोई ना इसमें कोई तीर मारने वाली चीज़ नहीं, बहुत सिंपल बन जाती है। अगर आपको जल्दी में बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। आप यकीन माने कि इसमें मैंने कोई क्रीम कोई कॉकटेल ऐड नहीं किया था, लेकिन फिर भी ये बहुत ही मज़ेदार बना था, बहुत ही मज़ेदार बना था। आप लास्ट में इस तरह से ट्राई कीजिएगा। अगर आपके घर में कोई भी चीज़ पड़ी होती है ना, आप उसको यूटिलाइज़ करके आप कुछ भी बना के खा लिया करें। इस तरह से ना किया करें कि अगर आपके पास पूरे लवाजमात नहीं है तो आपसे वो चीज़ बनेगी नहीं। तो बस मैं भी इसी तरह करती हूँ, अगर जो चीज़ पड़ी होती है ना मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। और बस यहाँ पे अब मैं थोड़ी सी इसकी डेकोरेशन कर लूँगी। मैंने सेब के ब्रिक ब्रिक स्लाइसेस काट के रखे हुए थे, सो अब यहाँ पे मैंने इसके ऊपर ये कुछ अंगूर लगा दिए हैं, और ये कुछ अच्छा भी लग जाएगा देखने में। और मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए, और फिर हम लोग इसको इंजॉय करेंगे। के थोड़े से शशके वगैरह देखनी है। आई होप सो कि आपको ये अच्छा लगा होगा, मेरा व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर आपका ये कस्टर्ड देख के खाने को दिल कर रहा है तो फ़ौरन से जाएं किचन में और फ़ौरन से बना के मुझे बताएं कि ये किस तरह से बना है इस रेसिपी के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरा व्लॉग अच्छा लगा है, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।